जय जवान जय किसान। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक और नया वीडियो लेकर आए हैं, वो भी भिंडी का खेती के ऊपर, क्योंकि भिंडी एक ऐसा खेती है जो आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट देता है और ये आप महीने में मतलब के साल भर भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कम खाद लगता है, वो बारिश को भी वो टॉलरेट कर पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे इनकम कर सकते हैं कम खर्चा करके। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वेरायटी लेकर आए हैं, वो भी बच्चन सीड्स का। तो ये वेरायटी का खासियत क्या है कि आपको ये अच्छा तोड़ने में होता है। मैं आप लोग को जो वेरायटी दिखाने जा रहा हूँ वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का वेरायटी है, क्योंकि इसमें आपका येलो मोज़ेक वायरस इतना नहीं लगता है और वायरस टॉलरेंट का पावर भी ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से कि फार्मर को कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा उपज आता है। और इसका मेन बात हुआ कि जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो भिंडी बहुत जल्दी सेल होता है, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी आता है, जो उसका जो क्लियरिंग रहता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, और मैं बोलने से पहले चलिए हमारा कंपनी का जो आए हैं उमा भाई, उनके साथ बात करते हैं बच्चन सीड्स का। ठीक है, अभी हमारे पास उमा भाई हैं। उमा भाई नमस्ते, हम आए थे ट्रस्ट ऑफ फार्मर से, हम सुने कि आपका एक वेरायटी आया है बच्चन सीड्स का, तो उसमें ज़्यादा अच्छा उपज आता है, फार्मर भी बहुत खुश है, तो आज हम उस वेरायटी के बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो उस वेरायटी का नाम क्या है? नाम है बच्चन सीड्स का मस्तानी। बच्चन सीड्स का मस्तानी, इसका अलग भिंडी से इसका भिंडी का क्या क्वालिटी क्या रहता है इसमें? क्या अच्छा? कि बारिश के दिन में जो पेड़ बढ़ते नहीं है, इसका ये खासियत है। और इसके में इसमें ब्रांच ज़्यादा है, जो ब्रांच है एक बार तोड़ने की साइड के ब्रांच में भी फलन आ जाता है। और अच्छा। देखने में पूरा पेंसिल टाइप का भिंडी है ये, मार्केट में जो ज़्यादा रेट में भाव में बेचा जाता है दूसरे भिंडी से। अच्छा, तो इसमें इसका बारिश के मौसम में ज़्यादा हाइट नहीं होता है, कम हाइट रहता है, और भिंडी जो है उसका जो पेंसिल टाइप का भिंडी रहता है। और दूसरा बात, इसमें वायरस का टॉलरेंस पावर ज़्यादा रहता है। अब तो फील्ड भी टोटल वायरस है ही नहीं, लगता है ये वायरस नहीं आएगा। अच्छा, जो आप लोग ज़्यादातर जो किसान भाई हो बारिश के मौसम में भिंडी करते हैं, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत जल्द येलो मोज़ेक वायरस आ जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत मक्खी रहता है, थीव्स जेसिड्स एफिड्स माइट्स वो ज़्यादा रहता है आपका, इसीलिए ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन ये जो वेराइट है इसमें आपका, हम अभी जितना भी देखे हैं नर्सरी या सब देखे हैं, उसमें कहीं पे भी एक भी पत्ता भी येलो मोज़ेक वायरस अटैक नहीं हुआ है अभी तक, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आया है इसका। और एक बेहतरीन क्वालिटी है, यूं पे पानी जब ज़्यादा भी हो जाता है तो पौधा मरता नहीं है, और इतना पौधा को इतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसका टॉलरेंस पावर ज़्यादा है। जैसे वायरस के ऊपर टॉलरेंस है, उसी तरह पानी को भी, ज़्यादा पानी होने से भी वो भी टॉलरेंट कर पाता है। तो चलिए हम जाकर देखते हैं कितना पिकिंग आया है और कितना ब्रांचेस आया है। और एक खासियत है, जो बारिश के दिन में जो अगर होता है तो हर सीजन में ये पूरा 100% सक्सेस होगा, इसमें गारंटी है। अच्छा। क्योंकि जो बारिश में भिंडी ज़्यादा से ज़्यादा वायरस आते हैं, येलो मोज़ेक आते हैं इसमें। अच्छा। अगर बारिश में दिन में नहीं आते, ये हर सीजन में, तीनों सीजन में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, तीनों सीजन में ये अच्छे रहेगा। अच्छा, तो ये बहुत 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 अच्छा बात है, क्योंकि जब बारिश का मौसम में जब येलो मोज़ेक नहीं आया तो आपका ठंडी के मौसम में और धूप के मौसम में भी अच्छे से हो पाएगा। तो बहुत अच्छा क्वालिटी आया है। तो चलिए हम फील्ड देखते हैं। तो हम फील्ड देखने से पहले जान लेंगे कि ये कौन सा एरिया है। उमा भाई, ये कौन सा एरिया के अंदर जाता है? उड़ीसा गंजाम ब्रह्मपुर का। ये उड़ीसा स्टेट है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, और ब्रह्मपुर उनका सिटी है। तो इसे ब्रह्मपुर के पास ही लगा है ये वेरायटी बच्चन सीड्स का मस्तानी, जो भिंडी के बारे में मैं बोल रहा था। चलिए देखते हैं वो वेरायटी का खासियत क्या है, डायरेक्ट फील्ड में देखते हैं। देखिए, इसमें छोटा पौधा से ब्रांचेस निकला है, वो ब्रांचेस में भी आपका फ्रूटिंग आया है, पूरा मिट्टी के लगकर भी आया है। देखिए, यहीं से भी निकला है, ये भी अभी फ्रूटिंग हुआ है, ये भी फ्रूटिंग आया है। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि देखिए, ये पूरा नीचे से आपका ब्रांचेस निकलता है, वो ब्रांचेस जो निकलता है, ब्रांचेस में भी फ्रूटिंग आ चुका है दो, अभी यहीं पे भी ब्रांचेस निकला है, यहीं पे भी तीन फ्रूटिंग धरा है, इसमें भी ब्रांचेस आया है। हर जहीं पे भी आप देखते हैं ब्रांचेस आया है, वो ब्रांचेस में पास ही पास आपका फ्रूटिंग आया है। देखिए, अभी इतना के अंदर 1 2 3 4 5
6-7-8 ब्रांचेस आ चुका है अभी तक, और फ्रूट भी बहुत अच्छा आया है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है, डिस्टेंस भी। वो मेन देखिए, और सब भिंडी का क्या होता है ना, ये जो भिंडी का पहले का जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, ताकि तोड़ने में दिक्कत होता है, फार्मर को तोड़ने में दिक्कत होता है, लेकिन इसका क्या ना, इसका लंबाई ज्यादा आता है, तो फार्मर को तोड़ने के लिए आसान होगा, और भिंडी देखने के लिए भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रहेगा और सुंदर लगेगा। और मेन बात हुआ कि इसमें जो भिंडी होता है वो पेंसिल टाइप का भिंडी रहता है, ताकि ये ज्यादा वेट आता है, और अब जब मार्केट को लेके जाते हैं पेंसिल टाइप का भिंडी रहता है तो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि दूसरी कंपनी से इसे ज्यादा भाव मिलता है, वो दूसरी कंपनी से ज्यादा भाव मिलता है, क्योंकि देखिए जब जितना बड़ा भिंडी होगा, आजकल मार्केट में सब लोग चाहते हैं कि जो बड़ा भिंडी होता है वो बूढ़ा हो जाता है या उसको ज्यादा खरीदते नहीं, ये पेंसिल टाइप का भिंडी रहने से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है देखने के लिए भी और खाने के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो पतला रहता है। तो आप देखते हैं कि कितना, मतलब छोटा पौधे से आपका मिनिमम 8-9 ब्रांचेस आया है, हर ब्रांचेस में एक एक जगह में 3-3 फ्रूटिंग आया है, तो देखिए अभी कितना आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, अभी तक इतना का फ्रूटिंग में तो 37 फ्रूट आ चुका है, तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा, और जब फार्मर चाहेगा कि हर रोज़ का जब उसे कुछ इनकम करने के लिए तो कर पाएगा, क्योंकि इतना फ्रूटिंग आता है तो आप डेली भी, आप चाहे तो अगर डेली भी तोड़ सकता है इसको, डेली भी निकल सकता है इसका, मुझे लगता है ऐसे कोई फार्मर चाहते तो अगर डेली भी तोड़ सकता है, डेली भी तोड़ सकता है। और मेन बात हुआ इसमें आप येलो मोज़ेक वायरस बिल्कुल नहीं है, पहले हम एक खेती में पहले आपको दिखाया था, अभी दूसरा खेती इसमें भी कुछ भी येलो मोज़ेक वायरस नहीं है, और मेन बात है इतना जब आता है ब्रांचेस आता है तो जितना ब्रांचेस उतना फ्रूटिंग ज्यादा आता है, तो ये वेराइट को आप देख लें तो ये पूरा ग्रीनिश रहता है, ज्यादा ब्रांचेस आता है, फ्रूटिंग भी ज्यादा आता है, तो फार्मर को ऑब्वियसली हर पेड़ में एक पेड़ में ब्रांच ज्यादा, इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रांचेस है, इसमें 10 ब्रांचेस, मतलब अब फ्रूटिंग भी तो आप एक एक में सब एक दो भी काउंट करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 20-30 फ्रूटिंग अभी भी इसमें छोटा पौधा में है। आप हर कहीं भी कौन सा भी पौधा देख लीजिए, हर किसी में भी ऐसे टाइप का आपका फ्रूटिंग आया है। मुझे लगता है क्या है कि ये दूसरी कंपनी का जब फ्रूटिंग शुरू होता है बाद में ब्रांचेस निकलता है, इसमें पहले ब्रांचेस निकलता, फ्रूटिंग शुरू होने से पहले से ब्रांचेस नहीं, एक दो बार तोड़ने से इसमें भी फूल आ जाता है, इसलिए तो ज्यादा फ्रूट आएगा ना। अच्छा। ज्यादा फ्रूट, आजकल किसानों को जितनी तो भाव है तक ये खर्चा होता है पेस्टिसाइड का, सीड्स का और फर्टिलाइजर का, इसमें तो प्रॉफिट होना ही चाहिए ना। हाँ। ज्यादा फ्रूट आए तो प्रॉफिट आएगा, अगर आप पेड़ लगाते एक दो तो लंबे तक जाए तो ये फ्रूटिंग कम आता है, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए इसमें बहुत खासियत है। आप देखिए हर पेड़ में देख सकते हैं ब्रांच, देखिए हर पेड़ में किसी में से अलग नहीं आता है, जो देख रहे तो ये भी बहुत छोटा पौधा है, इसमें भी आया, बहुत छोटा पौधा में बहुत ब्रांचेस आता है। तो इसमें क्या अब देख लिए कि पहला बात तो ज्यादा ब्रांचेस आया, दूसरा बात तो पेंसिल टाइप का भिंडी रहता है, तीसरा बात ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग आता है, चौथा बात आपका इसमें येलो मोज़ेक वायरस नहीं है, और पांचवा बारिश का मौसम में भी ये बारिश को भी टॉलरेट कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी होने से भी टॉलरेट कर पाता है। और पेंसिल इसका भिंडी जो पूरा डार्क ग्रीन रहता है, जो भी मार्केट में लेने से आपको बेचने के लिए बहुत आसान होता है, और आजकल ऐसे टाइप का वेराइटी ही ज्यादातर फार्मर ढूंढते हैं, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट जैसे कर पाएंगे। मैंने दूसरा फील्ड में देखा है हमारा। अच्छा। बच्चन का मस्तानी का। हाँ। इसमें देखिए बारिश के दिन हर कंपनी का भिंडी का वजन हल्का आता है। अच्छा। इसमें वजन भी ज्यादा आता है, वजन ठीक आता है, क्योंकि शायद इसमें उसका मंजी पूरा फिलिंग रहता है, फिलिंग रहता है सीड्स में, इसमें फिलिंग रहता है, इसीलिए वो वेट आता है, हर तरफ से मिलाकर फार्मर को ये मुनाफा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें मेन बात क्या हो ना, पहले आपका ब्रांचेस निकलता है उसके बाद फ्रूट आता है, लेकिन अलग कंपनी जो नामी दामी कंपनी अभी मार्केट में बेचते हैं उनका क्या होता है, पहले फ्रूट आता है उसके बाद ब्रांचेस आता है,
लेकिन इसका अच्छा क्वालिटी दिया है कि जो तो ज़्यादा ब्रांचेस आता है तो उससे पहले वो क्या ना, पहले ब्रांच निकलता है उसके बाद फ्रूट आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। आप लोग का भी देख लिए, फील्ड भी देखे, मतलब फ्रूटिंग भी देखे, वेराइटी भी देखे, तो आप लोग का हाथ में बात रहा, क्योंकि हम लोग तो आपको डायरेक्ट फील्ड में लाइव दिखा है कि आप कितना टाइप, कितना फ्रूटिंग आता है, कितना ऊंचा रहता है। आपको नहीं है कि आप बच्चन कंपनी का मस्तानी भिंडी कीजिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। नमस्ते।